आप ये देख सकते हैं, ये जो सामने स्पॉट है, दिस इज सेंट्रल स्टेशन ट्रेन जहाँ से चलती है हेलसिंकी की। हाँ, मतलब आपको इधर उधर आसपास के सिटीज में जाना है तो यहाँ से ट्रेन मिलेगी। बनाते बड़े यूनिक स्टाइल में है, वो घड़ी भी बना दी, क्लॉक भी बना दी कि टाइम कितना हो गया है। हेरिटेज साइट लग रही है, मतलब हमें लगा कोई म्यूजियम है, बट एक्चुअली में ये एक रेलवे स्टेशन है। तो बाकी अंदर से अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे जब हम रिहिमाकी के लिए ट्राम लेंगे। पीछे आप देख सकते हैं बस स्टॉप्स हैं, राइट साइड सेंट्रल स्टेशन और पीछे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये रेलवे स्टेशन लग नहीं रहा, ये तो बड़ा मॉडर्न लग रहा है, आपको रेलवे स्टेशन की फील ही नहीं आएगी। तो हम है आर कियोस्की के सामने। इस प्लेस पे आपको ट्रेन की टिकट्स मिलती है एंड खाना भी यहाँ पे कंपैरेटिवली अदर कैफेज के सस्ता मिलता है। और यहाँ पे बर्गर किंग भी है और हेस बर्गर भी है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इवन हमारा सबवे भी। तो फॉलोइंग द रिचुअल हम सब भी जा रहे हैं। He is very fast and very quick. The quickest person I have ever seen in subway. Thanks a lot. तो पीछे जैसे स्टॉकमैन, ये बिजनेस कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसके डिपार्टमेंटल स्टोर इसी सेंटर पॉइंट पे, हेलसिंकी के सेंटर पॉइंट पे है। ये सबसे ज्यादा बड़ा है नॉर्डिक रीजन्स में से। बाकी बिजनेस के लिए इनके ऑफिसेस हैं, बहुत फेमस नाम है ये, और ये एक स्टैचू है जो एक बहुत फेमस स्पॉट है। और बाकी तो आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे यहाँ पर, इस एरिया में हर चीज है। ट्रैम यहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है हेलसिंकी में। और पीछे आप देख सकते हो स्टैचू है, नंगे पुतले हैं। यहाँ पर अगर कोई आइटम कोई खा रहा है तो बर्ड्स बहुत नीचे आ जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के खाओ। इनफैक्ट हम बर्ड्स को हार्म भी नहीं कर सकते, अगर कोई हार्म करेगा भी उसको जेल हो जाती है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 9 PM इन हेलसिंकी, सूरज अभी भी चढ़ा हुआ है। सो हम फिर से हेलसिंकी के सेंट्रल स्टेशन पर आ गए हैं। रिहिमाकी के लिए हमने हेलसिंकी की दो टिकट्स ले ली हैं। और इसमें ना टाइमिंग होते हैं, एवरी हाफ एन आवर टाइमिंग वेरी करते हैं, लाइक कॉस्ट वेरी कर दिया। अभी जो बाय चांस हमने जो टिकट ली है वो हमें 10 यूरो की पड़ी है, अदरवाइज 13 यूरोज वाली भी होती है। और दो तरह की ट्रेन होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक बीच में हॉल्ट वाली होती है। बट जो कॉस्ट है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि हॉल्ट है या नहीं है, बस आप टाइमिंग देख लें। तो हमारी 9:10 की ट्रेन है और हमारी 10 यूरो 80 सेंट की पड़ी है हमारी सिस्टम में। तो अब हमें प्लेटफॉर्म देखना है, चेक करना है कौन से उसमें है, फटाफट जाना है, मिलते हैं। हमें पता नहीं था कि टिकट कलेक्टर आएगा या नहीं, तो किसी ने हमें गाइड किया कि ये इस मशीन से होता है। और यहाँ पे सारे साइन बोर्ड्स ना फिनिश में है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ी। यहाँ पर कोई गोल्ड क्लास और सिल्वर क्लास भी नहीं है, सबके लिए नॉर्मल है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 से मिली है। ये मेट्रो की तरह ही है ना, सिटी में तो ट्रैम्स चलती हैं, बसेस हैं, लेकिन ये इंटर स्टेशन में बहुत फास्ट मेट्रो है। फूड और ड्रिंक्स अलाउड नहीं है इसमें, और लैंग्वेज का थोड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि सारा फिनिश में है। फिर भी हमने ऐप इंस्टॉल करके इन्फॉर्मेशन किसी से पूछ के पता कर लिया, और कार्ड खुद ही स्वाइप करना पड़ता है टिकट का। तो ये ऐप है मूवेट ऐप, इसमें आप अपना उसके अंदर लाइव लोकेशन देख सकते हो। तो ये डाउनलोड करके आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा स्टेशन है, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वी जस्ट डिस्कवर्ड इट। तो करीब 1 घंटे की जर्नी है, बाय रोड भी यही है, बाय ट्रेन भी यही है, और 63 किलोमीटर है। तो बीच में कुछ स्टेशन आते हैं, अलग अलग सिटीज आती है। वही जैसे मेट्रो 2 मिनट के लिए रुकती है, स्टार्ट वहीं से होती है हेलसिंकी से, और इसका लास्ट जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है तांपरे, वहां तक जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन है, हम सिर्फ अपने वाले की बात कर रहे हैं। ऐप में संकेत आ चुका है, इसलिए हम दरवाजे के पास आ गए हैं।
स्टेशन में हम उतर चुके हैं, इसको एग्जैक्टली 55 मिनट्स लगे हैं और ये जो ट्रेन है वैसे 2 मिनट के लिए रुकी है हमारे स्टेशन में, ये रुकी है आई थिंक 5 मिनट्स। तो अब हम वॉक करके घर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ना सिग्नल्स पे साइन बोर्ड्स भी सारे फिनिश में लिखे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन फिर भी हम अंदाजे से कर ही लेते हैं मैनेज, हमने कर ही लिया मैनेज। मजा आता है और क्लाइमेट, हाँ बोलो, हिम्मत तो नहीं चाहिए तो मजा आता है, जब आप एकदम एग्जॉस्ट हो ना फिर भी मजा आता है ऐसे पूरा नाप तोल करने में, ये ऐसे पहले देख लो तो आप सबको इजी रहेगा। उसके लिए हमें इस कंट्री में पैदा होना पड़ेगा, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। नहीं, हमारे व्लॉग्स देख लो फिर आप यहाँ आए और उसके बाद आप ये एरिया एक्सप्लोर कर सकते, दिस इज व्हाट डन से, इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं रात के 10 बजे रीमैकी की गलियां, रात के 10 बजे।